जुलाई महीने के पहले हफ्ते से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कई राज्यों में बारिश के कारण हालत बिगड़ गए हैं तो कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में पिछले दो दिन से काले बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में आज के लिए भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 और 10 जुलाई के लिए बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी है। देश में इस समय मॉनसून बिल्कुल सक्रिय हो चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि अलर्ट के बाद आईएमडी के अलर्ट के बाद से ऐसा बताया जा रहा है कि देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में बाढ़ जैसी हालात बने हुए हैं। वहाँ पे बाढ़ आने की संभावनाएं दिन पर दिन बनती जा रही है। वहीं अगर हम बात राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी दिल्ली में कई दिनों से काले बादल छाए हुए हैं। लोगों को बिल्कुल भी बरसात नज़र इस समय नहीं आ रही दिल्ली में। अगर बरसात होती भी है तो वो बिल्कुल हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है। वहीं अगर हम बात पिछले रविवार की करें तो रविवार को उमस से लोगों का हाल बेहाल हो गया। गर्मी से लोग परेशान हो गए थे। अगर हम आज की बात करें तो आज यानी कि 8 जुलाई को ऐसा बताया जाएगा सिर्फ काले बादल छाए रहेंगे और हल्की बरसात हो सकती है। वहीं अगर हम बात पहाड़ी इलाकों की करें तो पहाड़ी इलाकों में कई रास्तों को बंद कर दिया गया। रास्तों पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि पर बरसात होने के बाद रास्तों में फिसलन बन गई है। वहाँ पे लोगों के साथ दुर्घटना होने की संभावना दिन पर दिन बढ़ चली। वहीं अगर हम बात पूरे मौसम के उसके तापमान के तो तापमान इस समय हल्का नज़र आ रहा है। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा धूप इस समय हमें नज़र आ रही है। इस समय जो मौसम है बिल्कुल अपने मीडियम लेवल पर एवरेज पर आ चुका है। वहीं अगर हम बात गर्मी की करें तो उमस जैसा माहौल ज़रूर हमें दिल्ली में नज़र आएगा लेकिन भीषण गर्मी जिस तरह से हमें हीट वेव के समय नज़र आई थी उससे अभी जनता को राहत मिली हुई है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां भी आज कई जिलों में गरज के साथ आंधी बारिश की संभावना है। बिहार में 11 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। एमपी की अगर बात करें तो वहां भी मॉनसून एंट्री कर चुका है और 15 जुलाई तक एमपी के कुछ जिलों में बारिश रहने वाली है। वहीं पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 11 जुलाई तक तेज बारिश की उम्मीद है और हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।